चलिए आज देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपको ये दिख रहा है तो यही है सोलेनॉइड। आप डेफिनेशन आप लर्न कर लेना। देख सकते हो दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड, दैट इज फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर देख सकते हो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron core iron. When placed inside the coil, the magnet is so formed is called electromagnet. इसे देख सकते हो electromagnet कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने soft iron को डाल दिया है। और यहाँ ये कुछ important चीज़ें हैं। magnetic field of bar magnet is fixed. Fixed होता है magnetic field, लेकिन poles का हम change कर सकते हैं, solenoid का हम change कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे हम चेंज? हम डायरेक्शन बदल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस बार मैग्नेट में कुछ नहीं कर सकते, वो परमानेंट है। बी, मैग्नेटिक फील्ड कैन चेंजेस नंबर ऑफ कॉइल्स को बढ़ा दो या फिर करंट को बढ़ा दो या फिर टर्न्स को बढ़ा दो। जो नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं टर्न्स होती हैं वो, ठीक है। तो ये टॉपिक में हमारा यहाँ पर फिनिश होता है।